नमस्कार साथियों, मैं हूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वार के सामने और लगभग 81 दिन हो चुके हैं। यहां नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और कभी कभी बड़े भी प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे इनकी बात को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ साथ दिल्ली के लोग भी सुने और इनके ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के लोग पूरे विश्व में फैले हुए वो भी सुने। आइए बात करते हैं गांधी जी से। बड़ी क्रांतिकारी मीटिंग हो रही थी, शोर शराबा हो रहा था और पूछते हैं कि आप चेहरा कैसे ढीला पड़ा हुआ है खान साहब, कल तो बड़े मुस्कुरा रहे थे आप। नहीं, मुस्कुरा तो आज भी रहे हैं उस्ताद, चेहरे तो उधर लटके हुए हैं। किधर? उधर खुल के बता दो, उधर किधर? अरे जिधर आप नहीं घुस पा रहे। जी साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि चेहरे अंदर वालों के लटके हुए हैं, अबे फिर हैंग हो गया। जी गांधी जी, बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि आप कह रहे थे कि चेहरा लटका हुआ है, चेहरा मेरा नहीं लटका हुआ, चेहरा अंदर वालों का लटका हुआ है। क्योंकि जिसने पूरी जिंदगी कोई ख्वाब देखा हो और वो एक रात में टूट जाए तो समझो उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो ऐसा समझ लो बिल्कुल जैसे एक्सीडेंट में जवान मौत हो गई। तो मुझे पूरा ऊपर वाले पे यकीन है कि 1 तारीख को जो फैसला आएगा वो भी बहुत शानदार आएगा। गांधी जी, आप 81 दिन से कह रहे हैं फैसला आ रहा है, आज कामयाबी मिल रही है, कल कामयाबी मिल रही है, 81 दिन हो चुके हैं आपको और अभी तक गुलर के फूल खिलने को तैयार नहीं है। मनोज भाई, कहीं कोई वीडियो में मेरी आप ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने ये कहा हो कि आज हमें खुशी मिलने वाली है कि कल खुशी मिलने वाली है। हमने एक बात कही है बस, कि जब तक इस जिस्म में जान है और जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और धरना जारी रखेंगे, चाहे हमें इसमें कुछ भी करना पड़ जाए। देखिए, हम दिल्ली भी जा रहे हैं, हमारी दिल्ली में भी बात हो रही है, एक चैनल में तो आप भी हैं, आप उस लूप में हैं, मैं यहाँ उजागर नहीं करूँगा, और आप भली भांति जानते हैं कि वो कितने मजबूत लोग हैं। जब उन जैसे लोगों ने हमसे वायदा करा कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो हमें पूरा विश्वास है मोदी सरकार पर कि वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विश्वास। तो ये विश्वास और विकास का नारा तो मैं कई सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि अभी कुछ एम्प्लॉयज़ को सैलरी बढ़ने की बात है, थोड़ा सा स्पष्ट करिए, मेरी समझ में पूरी बात नहीं आई थी तो मैं दौड़ा चला आया, चाय पी रहा था, मैं काफ़ी ठंड है आज और मैं चाय छोड़कर अपनी उस पूरी बात को जानने आया हूँ जिसको आपके बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बैठे हुए लोग हैं और आपकी बात को सुनते हैं और आपके माध्यम से मुझे लोग देख लेते हैं। तो बताइए क्या मामला है और कितने लोगों की सैलरी बढ़वा रहे हैं सरकार? ठंड में आप चाय छोड़ के चले आए, हम तो सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं ठंड में खुले आसमान के नीचे। हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता है तो सिर्फ अपने कर्मचारियों की। अगर जान भी देंगे तो इनके लिए, अगर जान भी जाएगी तो हमें कोई परवाह नहीं। अरे क्यों जान कैसे चली जाएगी? खजूर रोजाना खजूर खा रहे हो आप, घर से बेगम खजूर दे रही हैं। जब मौत ऊपर वाले ने लिख दी तो खजूरें भी फेल हो जाएंगी। एक बात सुन लो आप, ऐसा है कि हमें कम से कम अल्लाह के सामने हम रुस्वा तो नहीं होंगे कि हम इन गरीबों की लड़ाई नहीं लड़े। अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई गम नहीं और ना हमारे परिवार को, क्योंकि हमारे परिवार से जो सपोर्ट है वो आप सोच नहीं सकते। आज हमारा जो हौसला है वो हमारे परिवार की वजह से, और हमें पूरा ऊपर वाले पे यकीन भी है, इन नीचे वालों पे यकीन नहीं है व्हाइट हाउस में जो बैठे हुए, लेकिन ऊपर वाले पे पूरा यकीन है कि इनके चेहरे जो मुरझाए हुए हैं हमारे कर्मचारियों के, एक दिन ज़रूर इनकी चेहरे पे मुस्कान आएगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा वो दिन दूर नहीं है। धरना लंबा चले ये तो हमने पहले दिन, जिस दिन हमने ये आंदोलन शुरू करा था, हमने पहले दिन ही ये घोषणा कर दी थी कि ये लड़ाई मुश्किल है और लंबी है, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े और किसी भी स्तर पर जाना पड़े, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हम किसी से जन्नत का सर्टिफिकेट लेने नहीं जा रहे, हम सिर्फ अपने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। गांधी जी, जो आप इतना मुस्कुरा रहे हो,
क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? कुछ राज की बात तो अभी बता ही नहीं रहे यार, कुछ ना कुछ तो मामला है। सैलरी बढ़ने की बात आई है, वो बात अलग है कि एडहॉक कर्मचारी उसमें घेरे में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को आपके इस धरना प्रदर्शन का लाभ तो मिला है। आखिर वो कितने लोगों को लाभ मिला और क्या मामला है वो पूरा बताइए, आप छुपा रहे हैं। देखो बात यह है कि बारात आ गई, खाना खा लिया, निकाह हो गया और लड़की रुखसत ना हुई तो क्या फायदा बताओ? तो क्या बलीमा की भी दावत खा के पीछा छोड़ोगे? बात यह है कि पहले तो रुखसती हो जाए, लेकिन आपको रुखसती कराएंगे, लेकिन पूरा माजरा बताइए जो अभी अभी क्रांतिकारी प्रवचन दे रहे थे लोगों को और रोब बड़े उल्लास से शोर मच रहा था। देखिए ऐसा है, जो जनता सुनना चाहती है मैं वो सुनाता हूँ। ऐसा है 81वें दिन आज एक हमारे जो सब में नीचे के दर्जे के कर्मचारी हैं, आज उनको कुछ तनख्वाह बढ़ने की जो 7 साल से नहीं बढ़ी थी उसकी एक उम्मीद जागी है कि फाइनेंस कमेटी में जो मैटर गया था, जो सेंट्रल वेजेस लगने की बात थी, चूँकि हम सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी हैं और हमारी डिमांड थी कि सेंट्रल लेबर कमिश्नर वेजेस हमारे यहाँ लागू होनी चाहिए, जिससे कि हर 6 महीने में हमारे इन गरीब छोटे कर्मचारियों के चेहरे पर हर 6 महीने बाद एक नई मुस्कान आए। तो नई मुस्कान कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान दे रहे हैं आप? तकरीबन हमारे देखिए इसमें 1632 तो एक है, मैं पूरा डाटा इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, कल को वो ये कहेंगे कि आपने तो ये कहा और हमने ये कहा, तो हम कोई कंट्राडक्टरी बात नहीं करते। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहते हैं कि हमारा डेली वेजर एक भी कर्मचारी किसी भी कैटेगरी का हो वो इसका लाभ उठाएगा इंशाल्लाह। संख्या नहीं खोलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने फूट डालो राजनीति करो वाला पैतरा खेला हो? ये तो हमने 1300 लोग पीछे हट जाएंगे, ये नारा तो बहुत दिनों से जब अंग्रेज थे जब से चला आ रहा है इस हिंदुस्तान में, हम भली भांति परिचित हैं इस नारे से। तो हमारी आवाम चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो डेली वेजर हो किसी भी कैटेगरी की हो, वो सब मुत्तहिद है, इत्तेहाद है सब में। और आप मनोज भाई आप बार बार कवर करते हैं, वो इत्तेहाद हम बार बार दिखाते हैं। हम ऐसा है रोज़ रोज़ इन लोगों को इस ठंड में बीमार या इन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहते, हम अपने ऊपर तकलीफ़ झेल लेंगे लेकिन हम इन्हें तकलीफ़ में नहीं रहने देखना चाहते, इसलिए हम इन्हें बार बार बुलाते भी नहीं। कुछ लोग थे जो अभी एक संचालन हो रहा था, कुछ स्पीच बोल रहे थे, बोले दो लोगों को हटा दो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जन्नत हो जाएगी। वो कौन लोग थे और किसके लिए कही जा रही थी? तो वो दो लोग जो फिरौन हैं वो समझदार हैं, जिनकी वजह से ये सारी परेशानियाँ आ रही हैं, आपने भी सुना है और सारे कर्मचारी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है और पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फेटर्निटी जानती है कि वो कौन लोग हैं जो नाहेल कुर्सियों पर बैठ गए हैं, जो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। नाहेल के मायने क्या हैं? थोड़ा उर्दू का थोड़ा सख्त अल्फाज दिया है। नाहेल के मायने हैं कि जो उस पोस्ट के लिए काबिल ना हो। आप इतनी बड़ी सीट के लोगों की योग्यता पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, केंद्र सरकार का मामला है। सीट जरूर बड़ी है लेकिन लोग बड़े नहीं हैं। सीट बड़ी है लोग बड़े नहीं है और उनके दिल भी बड़े नहीं है। कुछ खवातीन खड़ी हैं, बोलेंगी खवातीन आप? हाँ बिल्कुल बोलेंगी। रेवा हमारी मन की बता दीजिए, क्या मन की क्या है? यहाँ पे डेली वेजर की बात थी, डेली वेजर का एनहेंसमेंट की बात है, तो अल्लाह ताला वो लगवाएगा इंशाल्लाह, और जो हमारे हमारे अलाउंसेस भी मिलेंगे इंशाल्लाह मिलेंगे। जो भी हमारी कमेटी हमारा डिसीजन लेती है उस पर हम ओके करते हैं, बस वही हमारे लिए है। हम अपने दिमाग से अब कुछ नहीं सोचते, हमारी जो कमेटी कहेगी, यानी कि जो डेली वेजर हैं, एडहॉक हैं, टेम्परेरी हैं, जितने भी लोग हैं हम एक साथ हैं, चाहे ये हमें डेली वेजर को एक बार में कुछ दे दें या एडहॉक को दे दें, हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक साथ हैं। तो हमारा मुद्दा सिर्फ यूनिटी का है बस। अभी जो आपकी मांगे पूरी हुई हैं उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? हमारी मांगे जो भी पूरी हुई हैं पहले उसे अभी सिर्फ कहा गया है, वर्बली पे तो हम यकीन ही नहीं करते। जब तक इनके अकाउंट में ना आ जाए, जब तक मिनट्स में ना आ जाए, बात पेपर पे ना आ जाए, ऑन पेपर रिकॉर्ड हो जाए, तब समझ लीजिए रिकॉर्ड होगी। अभी पेपर में कुछ भी नहीं है।
तो चलिए देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग थे, सबके अपने अपने विचार हैं। अभी जो वर्बली बात हुई है, जब तक कौन डॉक्यूमेंट नहीं आएगी उसको ये पूरे तरीके से विश्वास नहीं मानेंगे और लगातार धरना जारी रहेगा। जी धरना, मनोज भाई क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछ रहा था चाचा, आज सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोगों का फायदा हो रहा है, काफी खुशी की लहर होनी चाहिए, लेकिन अभी तो आप लोगों देखिए जहाँ तक इसका सवाल है, ये अभी तक हम लोगों के लिए उसी तरीके से है जैसे 25 दिसंबर को यहाँ हमारे कंट्रोलर साहब और प्रॉक्टर साहब ये अनाउंस कर गए थे कि एडहॉक एम्प्लाइज़ को जो है जनवरी की सैलरी के अंदर DA और इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, मगर आज तक पेपर पे उसका कोई जिक्र नहीं है और शायद वो मुझे उम्मीद भी नहीं लगती कि वो जनवरी की सैलरी में देंगे हमारे एडहॉक एम्प्लाइज़ को। आज भी FC ने इसको पास किया है, अब हमारे यहाँ का यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, EC के अंदर क्या वो होता है, ये तब उसकी बात है। अब ये खुशाइन बात यह है कि हाँ एक तरफ से हम लोगों को उसके लिए हमारे डेली वेजर भाइयों को उसका इशारा मिल गया, एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, इसलिए ये खुशी की बात है, मगर अभी बिल्कुल खुशी इसलिए नहीं है जब तक ये ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट ना हो जाए। वायदे तो इससे पहले भी यहाँ आकर बड़ी बड़ी हायर अथॉरिटीज़ ने, आखिरकार 81वीं दिन कुछ आपको सफलता का कदम आगे बढ़ा? देखिए ये थोड़ी सी अभी एक झलक है, चमक है, इसको ये कहना कि आज सफलता मिल गई मैं अभी इसको नहीं मानता जब तक कि वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए, ये मेरी अपनी सोच है। क्योंकि इससे पहले भी हमारे यहाँ के बड़े डिग्निटी पर्सन्स जो कि एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे हुए हैं, कंट्रोलर साहब और प्रॉक्टर साहब और हमारे EC मेंबर, यहाँ आकर कह गए थे कि आपको DA इंक्रीमेंट और PCA मिलेगा, मगर उसके लिए 25 दिसंबर से लेकर आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए ये कभी हम उम्मीद की चमक मांग सकते हैं, किरण मान सकते हैं, मगर ये कि अभी मिल गया इसको कहना भी बड़ा मुश्किल होगा जब तक कि ये इम्प्लीमेंट ना हो जाए, ये मेरी अपने सोच के हिसाब से। मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुदस्सिर। सैयद मोहम्मद मुदस्सिर साहब ने कहा है और इन जैसे ही बहुत से लोगों ने कहा है, मीटिंगों में तो बर्बली जो होता है सो होता है, जब तक ऑन डॉक्यूमेंट नहीं होगा हम लोग विश्वास नहीं मानेंगे। और निरंतर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने जो धरना लगातार चला आ रहा है वो यूं ही निरंतर चलता रहेगा। युवा साथी आ चुके हैं जी, क्या बड़े उछलते कूदते भाग रहे थे, क्या मामला है? मनोज अलीगढ़ जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग आप यहाँ पर आए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। दूसरी चीज़ यह है कि आज हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, उसमें दो एजेंडे में दो पॉइंट थे, एक तो सेंट्रल वेजेस डेली वेजर की, दूसरा पॉइंट था हमारा अलाउंसेस। पहले पॉइंट पे अल्हम्दुलिल्लाह वो बात बन गई है, सेंट्रल वेजेस को लेकर फाइनेंस कमेटी से रिकमेंडेशन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ यह है कि जो डेली वेजर है अब उस पर EPF भी लगेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि प्रोविडेंट फंड जो होता है वो जो परमानेंट हमारे कर्मचारी हैं उनको भी मिलता है प्रोविडेंट फंड PF, अब डेली वेजर का भी 12% EPF कटेगा तनख्वाह में से, जो भी तनख्वाह निर्धारित हो सेंट्रल वेजेस के आधारित पर। तो आपकी मांगे लगभग पूरी हो गई, जो मन की बात थी वो पूरी हो रही है? अभी सिर्फ हमारी ये पहली मांग 10 पॉइंट हुई है ना, मांग अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता एक बनाए, जो रास्ता दूसरा रास्ता ये EC में जाएगा, EC में अल्हम्दुलिल्लाह ये पास होगा और EC के बाद ये पास होने के बाद AMU में लागू हो जाएगा। और कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा, धरने में अब बैठेंगे या इतने सारे लोगों को लेकर ड्यूटी? धरना जारी रहेगा, धरना दमदारी से रहेगा, जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगी धरना कहीं नहीं जा रहा। कमेटी के सारे कमेटी के जितने भी हमारे मौजूद लोग हैं, जितने भी हमारे फैसल गांधी साहब, जकी साहब, रेहान भाई, हामिद शेख भाई, आबिद भाई, हमारी शाजिया बहन हमारी, और हमारे इस टाइम जो मक्का में हमारे मदीना में हमारे भाई गए हुए हैं एक सलमान भाई, वो दुआ कर रहे हैं वहाँ से, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ सारे डेली वेजर की जानिब से कि हमारी कमेटी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आज उसी का नतीजा है जिससे कि पहला आज काम बनता हुआ दिख रहा है डेली वेजर का। इधर देख के बताइए कौन है आप और क्या पद है आपका? मेरा नाम आफाक अहमद खान, मैं डेली वेजर हूँ और मैं खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी, ऐसा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें हमारा साथ नहीं दिया, शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ है, तभी ये काम मुमकिन हो पाया है। क्योंकि सेंट्रल वेजेस के लिए जो फंड एलोकेटेड करता है वो सेंट्रल करती है, वो फंड वहाँ से आ रहा है, तो इन लोगों ने कोशिश अंदर से भी हुई है, कमेटी की भी कोशिश है, कलेक्टिवली कोशिश है, उसका नतीजा है डेली वेजर का सेंट्रल वेजेस लागू हो रही है डेली वेजर पे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है और हक में होगा, अल्लाह से बस यही दुआ है। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ये टेलीकास्ट कर रहे हैं, शुक्रिया। आप अपना नाम तो बता दें। मेरा नाम सैयद बशीर हसन है और मैं रिटायर्ड हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी JN मेडिकल कॉलेज से।
लेकिन जंग को अंतिम दौर तक पहुंचा के छोड़ेंगे, मर जाएंगे, नाम कर जाएंगे, लेकिन जमे रहेंगे। मैं सर्वप्रथम तो अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो हमारे कमेटी के लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सभी को कोट कोट धन्यवाद देना चाहूँगा, और कुछ आला अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, लगातार ठंड में 81वें दिन लोग बैठ रहे हैं धरने पर, इसी उम्मीद से कि अपनी मांगों को लेकर कामयाब होंगे, और गरीब शोषित जो वर्ग लगातार लगा हुआ है अपनी मांगों को सही कराने को, यकीनन उससे उनको लाभ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई फाइनेंस ऑफिसर साहब से जो बातचीत होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फैसल साहब ने बगैर जाए हुए बता दिया पहले किस तरह से बात करते हैं, लेकिन हाँ ये हकीकत है और ये साबित हो चुका है इस यूनिवर्सिटी में ना तो कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ना कोई कोर्ट है, ना कोई एकेडमिक काउंसिल है, यहाँ जो कुछ है वो रजिस्ट्रार साहब और फाइनेंस ऑफिसर साहब है। बात ये होती है कि ईसी की मीटिंग में सोनकर साहब जो रिएक्टर नॉमिनी है वो ऑनलाइन जुड़े थे लखनऊ से, और जैसी हमारी इंफॉर्मेशन है उस दिन फाइनेंस ऑफिसर साहब भी लखनऊ में ही थे। अब क्योंकि अलाउंसेस पे उन्होंने मुखालफत की और फाइनेंस कमेटी में अलाउंसेस का मैटर था तो सोनकर साहब उसमें भी मौजूद थे, वही अलाउंसेस का मैटर सोनकर साहब ने वहां पर भी उठा लिया, तो इसका मतलब फाइनेंस ऑफिसर साहब, देखिए दिल्ली वालों से अगर हमारे लिए इन लोगों को ये हमारी अथॉरिटीज है, हमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इन्हें हमारे लिए